मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, उनमें गैप्स दिखेंगे, वो गैप्स इसलिए हैं बिकॉज वहाँ पर सोल्यूशन लिखे हुए थे। तो एनीवे बस मतलब लंबी पीडीएफ है बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग इट, स्टार्ट डूइंग इट एंड देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है, दोनों चैप्टर के हैं, अराउंड 10-12 क्वेश्चन फ्रॉम बोथ द चैप्टर, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ओके मनस, कुछ रह गया तो फिर वो लोग आंसर नोट कर लेंगे और बाद में मैच करा लेंगे। चलो वी विल स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चंस। चलो मैं नाम लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक है। श्रेय बताओगे क्वेश्चन नंबर 1? परी तुम बताओगे जो श्रेय बता रहा है? जल्दी बताओ भाई श्रेय। सर इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई सर, ये क्या कह रहा है? एरल बताओ। अच्छा तुम रेजाइन कर रहे हो। सर फर्स्ट का है सेकंड एंड सेकंड का है फोर्थ। द फर्स्ट पॉइंट के फर्स्ट पार्ट का ब्लैंक है मतलब फिल इन सेकंड द ब्लैंक करना और बताना है ये पॉइंट कहाँ लाई करते हैं। तुमने बताया कि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। फर्स्ट तो -12,0 है, कहाँ पर होना चाहिए पॉइंट? एक्स 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 एक्सिस, वाई जीरो है ना, एक्स तो फर्स्ट विल बी ऑन एक्स एक्सिस। और सेकंड क्या बोला अरे? सर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नहीं किया था, मैंने क्वाड्रेंट में लिखा था। क्वाड्रेंट पॉसिबल ही नहीं ना यार फर्स्ट वाले में। तो -12,0 किस क्वाड्रेंट में हुआ, किस में लिख दिया है तुमने? अच्छा हाँ सेकंड ब्लैंक का क्या बताया आंसर? फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सर। इज डाउट है इसमें सर। 5 यूनिट्स, कितना? 5 यूनिट्स। 5 मिनट्स। मुस्कान कह रहा है कि डिस्टेंस बतानी है -3,-5 एंड 2,-5। मैंने बताया क्लास 9th में ऐसा आएगा कि एक कोऑर्डिनेट सेम ही होगा। देखो वाई दोनों का सेम है, यस सर। बस एक्स में डिफरेंस है। लो कितना है डिफरेंस है, देख पा रहे हो? -3 और 2 में कितना हाँ डिफरेंस है? सर वो 1 का नहीं, 5 का 5 का डिस्टेंस है तो प्लस में ही लेंगे, तो इट डज नॉट मैटर किससे क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तनुष्का। सर। ऑप्शन 4 1 ऑप्शन 4 1 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई इज मैक्सिमम। मैक्सिमम बताओ वाई कहाँ जा रहा है, किस पॉइंट पे जा रहा है? सर 4 होना चाहिए ऑप्शन। वाई अरे डायग्राम से बताओ किस पॉइंट पे वाई मैक्सिमम है। सर फोर 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 अरे ए बी सी डी नाम है ना यार पॉइंट्स का, तो सी सर सी सी सर सी पर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, सी पर एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। तो ऑप्शन नंबर 4 है जिसका आंसर है 1। ठीक है चलो ओके क्वेश्चन सर। नंबर 4 नमन। सर 5 ए और सी के बीच में डिस्टेंस बतानी है तो वो है 2। ये तो वैसे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं है बट 5 इज द करेक्ट आंसर। कर पाए थे क्या सब लोग? यस सर। वैसे सिलेबस में नहीं लेकिन यू कैन डू बाय पाइथागोरस इजिली। अगर तुम प्लॉट करोगे तो मान लो 2,4 यहाँ पर आ रहा है, 2,1 यहाँ पर आ रहा है और 6,1 यहाँ पर आ रहा है। तो बताओ क्या ये तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा था? यस सर। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला सिलेबस में नहीं बट आई थिंक दिस कैन बी डन। 2,1 और 2,4 के बीच के डिस्टेंस 3 हो गई, 2,1 और 6,1 के बीच के डिस्टेंस 4 है। इन दोनों के डिस्टेंस पूछे, कहीं पाइथागोरस लगाओगे 5 आ जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 स्नेहा। यस सर। सर पहले का 1,1, सेकंड का 2,3। जो पॉइंट नंबर 1 है दैट इज 1,1 और जो पॉइंट नंबर 2 है दैट इज क्या टू बोला? कॉमा थ्री नहीं माइनस टू कॉमा माइनस फोर -2 और -4 है ना। मैंने फोर्थ का लिख दिया सॉरी। क्वेश्चन देख से पढ़ा करो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 शिवांग। समय 14 किलोमीटर। बाकी लोगों का सर 14।
फोर सर डाउट है क्या मेरा डाउट करा डिस्टेंस ऑफ वन यूनिट इज वन किलोमीटर ठीक है कहता ऑन द मैप माय हाउस इज लोकेटेड एट -1.3 तो हाउस यहाँ पर है -1.3 यहाँ मान लेते हैं -1.3 ये हाउस हो गया एंड फ्रॉम माय हाउस आई वेंट टू द कैफे लोकेटेड एट 5.3 5.3 के यहाँ कहीं हो जाएगा बताओ परे हाउस से कैफे जाने में कितनी डिस्टेंस हो गई है देन फ्रॉम माई हाउस आई वेंट टू कहा गया आई वेंट टू ए कैफे लोकेटेड एट 5.3 आफ्टर गोइंग डाउन सॉरी आफ्टर गल्पिंग डाउन अ चॉकलेट शेक देयर I went to my friend Shekhar's house. His house is located at 5.0. फिर शेखर के यहाँ पहुंच गए तुम लोगों की तरह कोई काम नहीं है खाना पीना खाया और फिर दोस्त के यहाँ निकल लिए कितना चला यहाँ पर कैफे से शेखर के घर तक 5 हो गया है 3 यूनिट ध्यान से क्या करो We then went to movie theater. Very good. To watch a movie. And movie theater is located at the origin. ठीक है तो बताओ थिएटर तक जाने में कितने और डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी 5 ठीक है करा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस हो गया 6 + 3 + 5 = 14 क्वेश्चन नंबर 7 अनिमेश तुमने आंसर दिया अभी तक कोई नहीं दिया है नहीं सर बताओ 7 सर ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन 4 किसी को डाउट है 7 में सर मुझे डाउट है एक बार बता दी नो सर Seven कह रहा one side of a chess board is taken as x axis and the side perpendicular to it taken as y axis. एक chess board है उसमें एक side को x axis ले लिया एक को y ले लिया. If the center of chess board is represented by 0, 0, then which of the following graph shows the position of knight whose coordinates are? इसमें तो ये सब कहानी है सिर्फ -2.2 तो बताना है कहाँ पर है. सर मैं वो कंफ्यूज हो गया कि वो जो उसमें परपेंडिकुलर वगैरह लिखा था तो मैं कंफ्यूज हो गया उसका वो यूज ही नहीं है वो कह रहा सेंटर चेस बोर्ड का सेंटर में सेंटर कोऑर्डिनेट दे दिए तो फिर क्या ही कंफ्यूज होना -2.2 दिख रहा है ऑप्शन डी में यस ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 8 कौन रह रहा है अभी पलक बताएगी क्या सर मैं हाँ पैरेललोग्राम सबका क्या आ रहा है पैरेललोग्राम ही आ रहा है क्या यस सर यस किसी को डाउट नो सर अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 खत्रे सर ऑप्शन 2 राइडर राइडर क्वेश्चन ऑप्शन 2 ठीक है सर स्कॉट होना चाहिए ना क्यों -2.3 तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला हुआ ना स्कॉट तो 3.-2 पे उल्टा देख रहे हो क्या तुम ध्यान से देखा करो चलो नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स शिरिन चारो बताओ शिरिन अभी तक तुम क्लास में थी वीडियो भी ऑन था तुम्हारा स्टार्टिंग में अनन्या तुम बताओगी क्या ट्रू फॉल्स इजी वाला है सुचि तुम बताओगी यस सर चलो बताओ सर ए ट्रू है बी फॉल्स एक मिनट जो एक एक करके ए ट्रू है -3.1 कह रहा है कि 3 यूनिट वर्टिकल डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस से क्या ये ट्रू है यस सर मुझे तो नहीं लग रहा सर फॉल्स है सर फॉल्स है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का ध्यान से देखो सुचे -3.1 यहाँ कहीं होगा नन्या ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो आने चाहिए ना यार -3.1 क्या लोकेट नहीं कर पाओगे तो -3.1 ये हो गया कह रहा है कि ये वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट है फ्रॉम एक्स एक्सिस वर्टिकल डिस्टेंस तो ये होती है क्या ये 3 यूनिट है नो सर
नहीं फॉल्स हुआ. थ्री यूनिट किसके डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे होता है ना. तो पहला फॉल्स है. सेकंड सर फॉल्स. फॉल्स फॉल्स तो कहां पर है ये पॉइंट वैसे सर? ये पॉइंट सर ये एक्स एक्सिस पे है. नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है. थर्ड पार्ट सर ट्रू. फिर से देखो ट्रू कहां है भाई. फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है सर? पॉजिटिव. तो फिर ट्रू क्यों बोल रहे हो? यहां पर एक्स पॉजिटिव लिखा है कि नेगेटिव लिखा है? एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट के लिए ट्रू है ये? सर फोर्थ. नहीं भाई एक्स नेगेटिव लिखा हुआ है, पढ़ नहीं पा रहे हो? तुम खुद ही तो बोल रहे हो पॉजिटिव होता है एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में. इसमें एक्स लेस देन जीरो लिखा है ना. लेस देन जीरो नेगेटिव हुआ ना. किस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में. तो इतना देर क्यों लग रही है? क्या पढ़ाई कर रहे हो ये? डी सर डी. हाँ डी पार्ट सर ट्रू. ट्रू है. ठीक है नेक्स्ट. अथर माइक ठीक है तुम्हारा? यस सर. बताओ अगले फिल इन द ब्लैंक आ रहे. सर पहले का है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्सिस बोलते हैं, कंबाइंड बोलना है ना, तो एक्सिस बोल दिया करो. द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉन इन द कार्टेशियन प्लेन टुगेदर आर नोन एज एक्सिस. ठीक है. सेकंड पार्ट सर फोर्थ क्वाड्रेंट. माइनस फोर विल लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है नेक्स्ट. सर ओरिजिन. ओरिजिन नेक्स्ट. वाई एक्सिस. जीरो का माइनस थ्री नेगेटिव वाई एक्सिस या वाई एक्सिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आरवीर ठीक है माइक तुम्हारा? यस सर. बोलो फिफ्थ क्वेश्चन. सर ए का है माइनस टू सर इस टू फाइव सर माइनस टू और फाइव. ठीक है. और बी का? और सर बी का सेवन और सेवन और माइनस थ्री. ठीक है. श्रेया नेक्स्ट बताओगी क्या? यस सर. बताओ सर. उसका जीरो जिसका ऑर्डिनेट होगा वो पॉइंट W पे होगा. वेरी गुड. जीरो ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे होगा. W है. ठीक है सर. नेक्स्ट का U पे होगा. U एब्सिस जीरो मतलब x कोऑर्डिनेट जीरो मतलब y एक्सिस. थर्ड सर x नेगेटिव एब्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव. x कोऑर्डिनेट नेगेटिव या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड में होगा. देख रहे हो x का है ये और कोई पॉइंट है नहीं. ठीक है गुड. नेक्स्ट परी तुम बताओगे अगला? सर ए वाला ई पॉइंट. व्हिच पॉइंट हैज जीरो एज एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो. तुमने क्या बोला? ए कहां से आ रहा? ई पॉइंट. ई पॉइंट जीरो एब्सिसा मतलब वाई एक्सिस. ई पॉइंट वाई एक्सिस पे. ठीक है नेक्स्ट. लास्ट क्वेश्चन कौन रह रहा है बताने से जिसका माइक भी ठीक. शेरिन तुम क्लास में हो कि नहीं? मैंने तुमसे कुछ पूछा था, यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड. हो क्लास में तो कहाँ है तुम्हारा? ऑडियो वीडियो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, तुम रेस्पॉन्ड कर रहे हो. कौन रह रहा है? कौन रह रहा है? किसने अभी तक आंसर नहीं दिया बताओ भाई. सबने आयशा ने नहीं दिया. आयशा तुम कहाँ छुपे बैठे हो आज? अर्पित ने भी कोई आंसर नहीं दिया है. ऑडियो नहीं तो टेक्स्ट में आंसर दे दिया करो कुछ कुछ बीच में. लास्ट क्वेश्चन चलो कोई बताओ आंसर. सब लोग एक साथ बता सकते हो जिसको आ गया हो. सर 1.9 किलोमीटर. 1.9 किसी को डाउट है? यस सर.
कह रहा अ पिज्जा शॉप सिचुएटेड इन अ सिटी लोकेटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 1.4. एक पिज्जा शॉप थी जो कि 1.4 पे है. मैं इसी ग्राफ को यूज कर लेता हूँ जो ऑलरेडी बना हुआ है. नहीं सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा. और किसी का डाउट है? नहीं. ठीक है सर. हाँ सर, वो जो 8th वाला क्वेश्चन था, सबने आंसर पैरेललोग्राम दिया था ना. हाँ सर, वो तो ट्रेपीजियम होना चाहिए. मैंने तो देखा नहीं यार करके, मैं देख लेता हूँ. सबका पैरेललोग्राम नहीं आ रहा था क्या? अनिमेश तुम्हें देख रहा है सबका आ रहा है, इसका मतलब गलत तो नहीं होना चाहिए. ओके थ्री टू टेन टू ट्वेल्व सिक्स पैरेललोग्राम आएगा यार, एक ही लाइन में तो आएगा. कुछ गलती तुमसे हो देख लेगा. चलो सेकंड पीडीएफ देखते हैं लीनियर इक्वेशन पे. चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज, चलो सब लोग बता सकते हो क्या ये सॉल्यूशन है? यस सर. यस सर, रख के देखो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो है, नहीं है तो नहीं, नहीं कर रहा है तो नहीं. सेटिस्फाई कर रहा होगा दैट मींस इट इज द सॉल्यूशन. ओके सेकंड पार्ट, इक्वेशन बनानी है. क्या इक्वेशन बनी है? 4x + 6y = 68. ये बनेगी इक्वेशन. किसी को डाउट हो तो मैं एक्सप्लेन भी करूं इसको. है किसी को डाउट? थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा. आई एम टेलिंग यू, तुम लोग बहुत अच्छे से करना. क्या आंसर है थर्ड क्वेश्चन का? -1. आ गया. फोर्थ -1.5. सेम आ रहा सबका. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 5. 1. ठीक है. 6, ग्राफ बन गया सबका. यस सर. ओके 7, 3 सॉल्यूशन बताने. कोई कुछ भी बता दो तुम, जिसने जो निकाला बता दो जल्दी से. सर 0.2. 0.2 ठीक है. नहीं 0.-2. 0.-2 और 4.1 ठीक है. और 8.4 ठीक है. और कुछ? और कोई सोल्यूशन नहीं है? 8/3.0. एनीवे क्वेश्चन नंबर 8, फिजिक्स टेस्ट वाला. क्या आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 8? 87 मार्क्स. यस सर 87. किसी का डाउट? ओके. इसके साथ में एक और क्वेश्चन एरिया वाला है. 20 यूनिट स्क्वायर. मैंने टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन दिया था, अगर तुम्हें याद हो. दीज आर लाइंस, x = 5, y = 4. These are lines. Lines बनाओगे x = 5, y = 4. This will become a rectangle. बस area निकाल लेंगे. 5 × 4, ये 5 है, ये 4 है. तो ये area 20 आ जाएगा. Question number 9. y = 1 कैसी line होगी? Parallel to x-axis at a distance of 1 unit. टेंथ क्वेश्चन, ओम्स लॉ वाला. सर 125. एक क्वेश्चन बताओगे? यस. बोलो. सर x = y/5. क्या यही सबकी बनी है? x = y/5 या y = x/5 या y = 5x या x = 5? ये सारी एक ही तरह की इक्वेशन है. इन सब में इनमें से कोई एक बनी है सबकी? किसी को डाउट है? एक्सप्लेन करूं मैं इसको. यस. ओके सर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ये पता है ना, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है वाई और करंट है एक्स, तो y = kx जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो दोनों का रेशियो कॉन्स्टेंट होता है. Yes. है, पहले भी बात कर चुके हैं हम. मैंने आई थिंक वर्कशीट में दिया था जो अभी रिविजन वाली हमने जब क्वेश्चन किए थे,
दो क्वाड्रेंट तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर वी और आई प्रोपोर्शनल तो ऐसे लगाते हैं वी इज प्रोपोर्शनल टू आई यस प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट इक्वल टू लगा के कांस्टेंट लगा देते हैं याद आया मैथ में तुम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कभी भी दे रखा हो दो क्वाड्रेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उन दोनों का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा तो मैंने वाई को पोटेंशियल डिफरेंस माना है और आई को करेंट माना है तो वाई अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट होगा उसी को मैंने के बोल दिया है फिर कह रहा है अज्यूम द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज 5 क्वेश्चन दे दिया है कांस्टेंट 5 है तो y इज इक्वल टू 5x आ गई इक्वेशन ठीक है बस अब तो क्या है इक्वेशन मिल ही गई है एक्सप्रेस दिस रिलेशन एंड रिपीट रिप्रेजेंट ग्राफिकली ग्राफ में बना लोगे दो सॉल्यूशन निकाल लेना 0 0 1 5 फिर कह रहा है आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ The current flowing the conductor when potential difference is 25. कह रहे जब potential difference 25 हो तो अब current बताओ अब equation से निकालना है graph से निकालना है तो graph बनाना जब y 25 हो तब देखना x क्या है of course rough में यहाँ भी check कर सकते हो तब x 5 आएगा लेकिन यहाँ से निकालना नहीं है since question कह रहा है graph से देख के निकालो तो graph से देख के निकालना है ठीक है ठीक है yes last question लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन बताया कोई सर डाउट टू डिजिट नंबर के हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ ध्यान रखने की बताओ क्या है वो कि जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं उस टू डिजिट नंबर पे तो क्या चीज लेते हैं क्लास 8 में भी कई क्वेश्चन किए थे हमने इस पर जो लोग इस साल नए आए ध्यान रखें जब भी टू डिजिट नंबर हम एज्यूम कर रहे हैं जो भी ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन मेरी इक्वेशन सर x इक्वल टू 5 y तो तुमने y को करंट लिया होगा ना क्या वो मैंने दूसरे वेरिएबल लिया हुआ है हाँ टू डिजिट नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमेशा ध्यान रखना उसमें सारे ऑपरेशन वैल्यू ऑफ द नंबर पे होंगे वैल्यू ऑफ द नंबर कैसे निकालते हैं Using place value. तो मैं मान लेता हूँ मैंने नंबर को x y लिया हुआ है ये digits है नंबर की तो value of the number क्या होगी value of the number हाँ पूरी क्लास सर मतलब सर 10x plus y हाँ जैसे हमने निकलते हैं 275 है तो कैसे निकलता है 275 200 वैल्यू ऑफ द नंबर ऐसे निकली है ना 2 इनटू 100 प्लस 7 इनटू 10 डिजिट प्लस प्ले डिजिट को इनटू करते हैं प्लेस वैल्यू से 5 इनटू 1 ऐसे तो बनता है 275 यस ठीक है तो अगर कोई नंबर है एक्स वाई तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी एक्स इनटू 10 10x प्लस वाई एग्री तो जब भी हमको समेशन वगैरह की बात करेंगे हम इस वैल्यू की बात करेंगे बिकॉज दिस इज ऑपरेशनल दिस इज ऑपरेशन जो हम कर सकते हैं एक्स वाई को लेकर हम सब लिख सकते हैं कोई ऑपरेशन तो नहीं कर सकते एक्स वाई प्लस 10 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा तुम कुछ आगे कुछ लिख सकते हो इसके पता नहीं क्या कौन से डिजिट है क्या है वी कैन नॉट डील विद दैट लेकिन 10x प्लस वाई प्लस 10 हुआ तो हाँ वहां पर कुछ कर सकते हैं इक्वेट वगैरह तो कह रहा है एक टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड By interchanging the digits. अगर नया नंबर बनाएंगे तो y x बन जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10y plus x. अब कह रहा है अगर इन दोनों को ऐड कर दो इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो तो आता है आ गया 88. तो अगर इन दोनों की वैल्यू को ऐड करो क्या जाएगा 10x plus y एक सिचुएशन में है प्लस 10y प्लस x एक सिचुएशन है ये दोनों को कह रहा ऐड करके 88 आ रहा है इक्वेशन बना दो बन गई इक्वेशन 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 88 या 11 कॉमन लेके कैंसिल कर देना तो x प्लस y इज इक्वल टू 8 दिस इज द इक्वेशन अब तो बना लोगे ग्राफ वगैरह यस ठीक है कह रहा है कि अगर एक अगर 1 डिजिट 2 है तो बताओ बाकी क्या होगा अब तो पता ही तो कि अगर 1 डिजिट 2 है तो x को 2 डाल दो तो y 6 आ जाएगा तो नंबर क्या हो जाएंगे 26 एंड 62 ठीक है आगे बात पकड़ना सबको ठीक है yes, sir. ठीक है फिर
फिर आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एंड ठीक है, कैरी ऑन. चलो गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.